दिस इज 92.7 बिग एफएम और प्रस्तुत है सुहाना सफर विद अनु कपूर। पहली कहानी, अशोक कुमार ने किया दोस्ती पर भरोसा और उनके साथ हो गया धोखा। दूसरी कहानी, वो कौन सी हस्ती थी, शख्सियत थी, पर्सनैलिटी थी जिससे मिलकर रो पड़े ऋतिक रोशन। तुमने पुकारा और हम चले आए, रेगुलर सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेता श्री बोमन ईरानी को। फिल्मी सेगमेंट में आज होगी मिस्टेक की चर्चा, उस फिल्म की जिसका नाम है मोहब्बत। और अंत में हमारे श्रोता, इस शो के प्रेमी श्री लाला तेंदु पांडा और मिस फातिमा किदवई, सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम रिलायंस फ्रेश एंड रिलायंस रिटेल, दोनों ने एक ही सवाल पूछा है। वो सवाल का खुलासा करूंगा आखिरी सेगमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर विद अनु कपूर। अशोक कुमार की एक सुपरहिट फिल्म थी महल। इस फिल्म के गीत खूब मशहूर हुए। गीत लिखे थे नक्षब जारचवी ने। शूटिंग के दौरान ही अशोक कुमार और नक्षब में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। एक दिन नक्षब अशोक कुमार के पास पहुंचे, बड़े जोश और खुश लग रहे थे। पूछा, क्या है? तो कहने, खुशखबरी है कि मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूं। अशोक कुमार भी खुश हो गए, मुबारकबाद दी और यह भी कहा कि मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर याद कीजिएगा। नक्षब ने कहा नेकी और पूछ पूछ। ख्वाहिश बताई कि फिल्म में उनकी पत्नी नादरा हीरोइन है और मैं चाहूंगा कि आप हीरो बन जाएं। अशोक कुमार ने दोस्ती का मान रखते हुए हां कह दी। नक्षब के पास अशोक कुमार को देने के लिए पैसे नहीं थे, जो उनकी मार्केट फीस थी। तो तय हुआ कि 40 दिन फिल्म की शूटिंग होगी, 40 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाएगी। यानी हर दिन अशोक कुमार को शूटिंग खत्म होते ही एक इंस्टॉलमेंट मिल जाया करेगी। शूटिंग शुरू हुई, अशोक कुमार जोश और खरोश के साथ जुट गए। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा सीन हो जाए मदद कर रहे थे। शूटिंग के बाद हर रोज अशोक कुमार को एक लिफाफा थमा दिया जाता था। लेकिन 10वें दिन शूटिंग के बाद अशोक कुमार को बताया गया कि अब अगला शेड्यूल कुछ दिन के बाद होगा, तब आपको खबर कर दी जाएगी, आपसे डेट्स ले ली जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद 2 महीने बीत गए। अशोक कुमार थोड़े से विचलित हुए, इंपेशेंट हो गए। कहा, चक्कर क्या है? बुलावे का इंतजार करते रहे। लेकिन अचानक एक दिन सुबह के अखबार में उन्होंने देखा एक पोस्टर, फिल्म रिलीज होने का पोस्टर। अशोक कुमार का माथा ठनक गया। कहा गया था कि शूटिंग पूरी नहीं हो रही और फिर ये क्या हो गया, ये रिलीज का माजरा क्या है? पता करने पर मालूम हुआ कि नक्षब ने 10 दिन में ही अशोक कुमार का पूरा काम निपटा दिया था। बाकी आर्टिस्ट को बाद में शूट किया और अब फिल्म रिलीज होने वाली है, क्योंकि वादा था पर डे इंस्टॉलमेंट का, तो जल्दी से जल्दी हीरो का काम निपटा दिया गया। तब अशोक कुमार की समझ में आ गया कि वो बेवकूफ बना दिए गए हैं। 1/4 मेहनताना देकर नक्षब ने उनसे पूरा काम निकाल लिया। फिल्म रिलीज हुई, हिट भी हो गई, अशोक कुमार के काम की भी खूब तारीफ हुई। तारीफ के एवज में अशोक कुमार ने गिले शिकवे भी नहीं किए और नक्षब को माफ कर दिया। उस फिल्म का नाम था नगमा। ऋतिक रोशन बचपन से ही एक आर्टिस्ट का फैन थे, हमेशा डांसिंग स्टाइल उसी की कॉपी किया करते थे। ख्वाब था एक दिन कभी उस मशहूर और मारूफ हस्ती से मिल जाऊं, देख लूं। 2008 में ऋतिक रोशन अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे न्यूयॉर्क में। फिल्म का नाम था काइट्स। जहां शूटिंग हो रही थी इत्तफाक से वहीं उस स्टार परफॉर्मर की शूटिंग भी चल रही थी। ऋतिक को पता चला तो उस स्टार से मिलने के लिए बेचैन हो गए। अब विचित्र संयोग देखिए कि उस स्टार को न जाने कैसे पता पड़ गया कि ये लड़का जो शूटिंग कर रहा है ये भी हिंदुस्तान का सुपरस्टार है। एक दिन सुबह सुबह जब ऋतिक अपनी वैनिटी वैन में बैठे थे, तभी अचानक कुछ बॉडीगार्ड अंदर आए। ऋतिक घबरा गया। इससे पहले कि वो समझ पाता
सामने आकर ऋतिक के वही अमेरिकन सुपरस्टार, इंटरनेशनल सुपरस्टार खड़ा हो गया और ऋतिक से हाथ मिलाते हुए कहा, हाय आई एम माइकल जैक्सन। ऋतिक को यकीन नहीं आ रहा था कि जिससे मिलने के लिए वो बचपन से सपने देख रहे थे वो खुद उनके सामने आ जाएगा, और इस खुशी के मारे ऋतिक रोशन रो पड़ा। ऋतिक की आंखों में आंसू देखकर माइकल जैक्सन ने उसे गले से लगा लिया। फोटोज हुई और उस फोटो को ऋतिक रोशन ने अपने ऑफिस और घर में आज भी एक अविस्मरणीय यादगार के तौर पर फ्रेम करके लगा रखा। हेलो, नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ, आप कौन साहब बोल रहे हैं? नमस्कार साहब, मैं संतोष सक्सेना बोल रहा हूँ आगरा से। अरे रे रे संतोष जी, कैसे हैं आप? बस दुआएं आपकी, और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आगरा वालों के साथ ब्रजभूमि से आज संपर्क हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सर मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मैं 10 बजे घर से निकलता हूँ अपने ऑफिस के लिए और आपकी आवाज़ सुन के निकलता हूँ, ऑफिस पहुँचने तक आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, एक घंटा मुझे ऑफिस पहुँचने में लगता है, तो मेरा बड़ा खुशनसीबी है कि मैं आपकी आवाज़ लगभग रोज सुन लेता हूँ। थैंक यू संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा रहते हैं? आगरा में ही आप? जी हाँ, मैं दयालबाग में रहता हूँ। दयालबाग आगरा में रहते हैं, और घर पे कौन कौन है जरा अपने बारे में बताइए। घर पे हमारी धर्मपत्नी है, एक बेटी है, एक बेटा है जी, माँ है जी जी। अरे वाह वाह, सबको मेरे प्रणाम जरूर कहिएगा जी। बिल्कुल, खुश रहें, आबाद रहें, आगरा रहें या फरीदाबाद रहें। बॉलीवुड के लिए तो सर आप भीष्म पितामह हैं, जितनी जानकारी आप पे मुझे नहीं लगता किसी और को इतनी जानकारी होगी, आपका प्रोग्राम सुन के दिन बहुत अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच संतोष जी, इसी तरह से प्यार और मोहब्बत और कृपा हमारे प्रोग्राम पे बना के रखिएगा आप, आपकी वजह से ही ये प्रोग्राम चल रहा है, आप जैसे लोगों के प्रशंसकों के कंधों के ऊपर ही हमारा भविष्य टिका हुआ है। कोई पसंद का गाना सुना दूं आपके पसंद? जी सर। कौन सा गाना? वैसे तो बहुत गाना पसंद है सर, लेकिन राजेश खन्ना का सफर फिल्म का गाना सुना दीजिए तो बहुत खुशी होगी। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे दयालबाग आगरा के हमारे मित्र श्री संतोष सक्सेना, जो बहुत ही प्रेम और मोहब्बत के साथ हमारा कार्यक्रम सुनते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, उनकी फरमाइश पर राजेश खन्ना की फिल्म का ये गाना। थैंक यू सर। थैंक यू। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेता श्री बोमन ईरानी को। श्री बोमन ईरानी 2 दिसंबर 1959 को बंबई के एक पारसी परिवार में जन्मे। जन्म से कुछ दिन पहले ही आपके पिता दुनिया को छोड़कर चले गए। बोमन ईरानी ने सेंट मैरीज स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ली, फिर मीठीबाई कॉलेज से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स किया। ग्रेजुएशन के बाद बोमन ने ताजमहल होटल में एज ए वेटर और रूम सर्विस स्टाफ की नौकरी भी की। कुछ सालों बाद मां के साथ बेकरी संभालने लगे, वहां दिल नहीं लगा तो 1987 में फोटोग्राफर बन गए। कॉलेज के दौरान बोमन ईरानी ने हंसराज सिंधिया से एक्टिंग सीखी और कभी कभी प्ले भी कर लिया करते थे। फोटोग्राफी करते हुए बोमन को एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड में अच्छा काम मिलने लगा, जान पहचान का दायरा बढ़ने लगा। फिल्मों में बोमन को सबसे पहला ब्रेक मिला 44 साल की उम्र में, फिल्म थी एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन। उसके बाद कुछ और फिल्में मिली नजर आए, लेकिन पहचान मिली, स्टारडम मिला राम गोपाल वर्मा की फिल्म से जिसका नाम डरना मना है। उसके बाद मुन्ना भाई MBBS, खोसला का घोसला, बूम, वीर जारा, मैं हूं ना, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 Idiots इत्यादि। इन फिल्मों के जरिए बोमन ईरानी लोगों के दिलों में जगह बनाने में सफल हो गए। श्री बोमन ईरानी अब तक 75 फिल्मों में काम कर चुके हैं और 3 Idiots के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हो चुका है। श्री बोमन ईरानी ने श्रीमती जेनोबिया ईरानी से ब्याह रचाया, आपके दो बेटे हैं दानेश और कायोज ईरानी, अब भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, वो हमेशा अच्छा काम करते रहें यही शुभकामना है। यदि वो ये कार्यक्रम सुन रहे हों तो आज का सेगमेंट हमने उन्हें डेडिकेट किया, अगर वो सुन रहे हों, उनके परिवार के कुछ सदस्य सुन रहे हों, बेटे सुन रहे हों, श्रीमती बोमन ईरानी सुन रही हूँ, मित्र बंधु बांधव सुन रहे हूँ, तो ये सनद रहे बिग एफएम पर। हमने बहुत ही आदर सम्मान और प्रेम के साथ श्री बोमन ईरानी को याद किया, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, आनंद में रहें, यही हमारी मंगल कामना है, हमारे प्रणाम स्वीकार करें। फिल्मी मिस्टेक, फिल्म का नाम मोहब्बतें,
2000 में आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय को लेकर एक फिल्म बनाई थी, मोहब्बतें। इसकी एक फिल्मी मिस्टेक। इस फिल्म में एक सीन था वैलेंटाइंस डे का। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग सर। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे यानी मोहब्बत का दिन। आज के दिन मैं तुमको एक छोटी सी प्रेम कहानी सुनाने वाला हूं। हर साल वैलेंटाइंस डे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को, जबकि होली अक्सर मार्च के महीने में आती है। लेकिन गौर से देखिएगा, इस फिल्म में होली का सेलिब्रेशन होता है, जिसमें सभी स्टार सोनी सोनी गाने पर जम करते हैं। होली मनाने के बाद ये वैलेंटाइंस डे की पार्टी करते हैं। हमसे किसी श्रोता ने पूछा था कि वो स्क्रीन प्ले क्या होता है, तो मैंने उसमें जवाब देने की कोशिश की थी कि हर चीज़ को एस्टैब्लिश करना पड़ता है, नज़रअंदाज नहीं करते। नहीं, होली के बाद भी वैलेंटाइंस डे आ सकता है, लेकिन अगले साल आएगा, और अगले साल आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, इसको एस्टैब्लिश करना पड़ता है। ये हमारे फिल्म राइटर्स, फिल्म डायरेक्टर्स ना इस तरह की बहुत सारी भूल करते हैं। चलिए, इन्हीं भूलों की वजह से तो हमें सेगमेंट चलाने का मौका मिलता है। हमारे श्रोता मिस्टर लाला तेंदु पांडा और मिस फातिमा किदवई, हु इज सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम रिलायंस फ्रेश एंड रिलायंस रिटेल, उन्होंने सम्मिलित रूप से सवाल पूछा है। अनुजी, पुरानी फिल्मों के दौर में वो कौन सा साल था जिसमें कुछ बेहतरीन पैसा वसूल फिल्में बनी, और वो कौन सी फिल्म्स थीं जिनसे एक्चुअली लोगों का पैसा वसूल हुआ, ऐसा कह सकते हैं? तैयार है मेरे पास जवाब। लाला तेंदु पांडा साहब और फातिमा जी, सुनिए, वो साल था 1975 का। जितनी भी हमारी स्टडी, उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है, वो साल था 1975 का, जहां हम कह सकते हैं कि हमारे दर्शकों का पैसा वसूल हो गया। बहुत अच्छी फिल्में बनी और बहुत हिट फिल्में भी बनी। नाम बता देता हूं मैं, पैसा वसूल फिल्में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहा हूं। आंधी, गुलजार की आंधी, अमानुष, उत्तम कुमार, शर्मिला टैगोर, छोटी सी बात, विद्या सिन्हा, अमोल पालेकर, चोरी मेरा काम, चुपके चुपके, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हाजी, दीवार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, दो जासूस, दो ठग, धर्मात्मा, फिरोज खान, हेमा मालिनी, रेखा, एक महलो सपनों का, फरार, संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन, गीत गाता चल, सचिन सारिका, जय संतोषी मा, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां का है संतोषी मा, अपनी संतोषी मा। अरे, अब देखिए इस गाने को कैसे रिपीट किया। मन बलवान रहे मैदान, रहे मैदान में आगे अपनी संतोषी मा। तो जय संतोषी मा। उसके बाद जूली, भूल गया सब कुछ, विक्रम लक्ष्मी नादरा ओम प्रकाश, जूली, कहते हैं मुझको राजा, काला सोना, खेल खेल में ऋषि कपूर, नीतू सिंह, खुशबू, जितेंद्र, हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर, मिली, बड़ी सुनी सुनी है, अब अमिताभ बच्चन, जया, प्रतिज्ञा, मैं जेट यमला पगला दीवाना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्रेम कहानी, राजेश खन्ना, मुमताज, रफू चक्कर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, साजिश, धर्मेंद्र, सायरा बानो, सन्यासी, चल सन्यासी, मंदिर में है जी, एंड शोले, उमर कैद, जख्मी, जमीर, वारंट, 90% फिल्म हिट हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वो साल था जब दर्शकों का पैसा वसूल हो गया। तो लता तेंदु पंडा साहब, मिस फातिमा किदवई, सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम रिलायंस फ्रेश एंड रिलायंस रिटेल, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। हमारे सुनने वालों के पास कोई और जानकारी हो इस मुतालिक, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अनु कपूर। मेहरबानी, करम, नवाजिश, शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय भारत, वंदे मातरम।